कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रिवान ग्वान को जो कि क्वान के ऑफिस के यहाँ आ चुका होता है। ये रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि ये मिस्टर क्वान से मिल सकता है क्या, पर ये लोग इसे बताते हैं कि वो अभी बिजी है। उतने में यहाँ पे पीछे से हाइलू आ जाती है जो कि इसे पूछती है क्या वो आर्टिस्ट रिवान ग्वान है क्या। वो इसे बताती है कि वो उसकी काफी बड़ी फैन है और वो उसे काफी समय से मिलना चाहती थी। ये इसे बताता है कि यहाँ पे पैंथम जनरल के लिए इसने न्यू कैरेक्टर्स को बनाया है और ये इसे क्वान को देने के लिए कहता है, पर ये इसे कहते हैं कि ये मिस्टर पे को खुद से इसे डायरेक्टली दे तो उसे काफी अच्छा लगेगा। ये फिर यहाँ पे इसे क्वान के यहाँ पे ले आती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है, पर यहाँ पे क्वान को देख के ये थोड़ा घबराया होता है और क्वान इसे देख के काफी ज्यादा शॉक में होता है। पर जैसे ही यहाँ पे शिनहलू बाहर जाती है यहाँ पे क्वान रुवान के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है और उसे पूछता है कि आखिर उसे किसने कहा था कि पैंथम जनरल को वो ऑप्टिमाइज करे। पर जब कुछ समय के बाद ये बाहर आता है तो शिनहलू उसे सारी बातें पूछती है। यहाँ पे रुवांग इसे सारी बातें बता देता है और ये भी बताता है कि मिस्टर पे के साथ इसकी काफी अच्छी बात हुई है। वही पे हमें अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान मिन लांग की बनाई हुई वीडियो गेम को देखता है और उसे देख के इसे कहता है कि सचमुच तुमने काफी बढ़िया काम किया है, ये गेम काफी बेहतर बना हुआ है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जैसा रिलायबल फ्रेंड मुझे और कहीं मिल सकता है, तुम सचमुच काफी ज्यादा लॉयल हो। इसकी ये बात सुन के मिन लियांग यहाँ पे खुश हो जाता है और सोचता है कि मिस्टर पे ने मुझे यहाँ पे अपना फ्रेंड कहा। क्वान फिर से बताता है इस गेम को हम अप्रैल फूल्स वाले दिन यहाँ पे पब्लिश करने वाले है और मेरे पास मार्केटिंग का प्लान एकदम बढ़िया है, अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये गेम काफी बड़ी हिट जा सकती है। ये फिर इसे एक लिस्ट दे देता है और कहता है कि लिनवान को कहना ये सारी चीज जल्दी अरेंज कर दे, पर ये इसे पूछता है कि मुझे लगा था कि आप मार्केटिंग से हेट करते हो। ये इसे बताता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब हमारा प्लान जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। हमें फिर करीब 10 मिनट पहले दिखाया जाता है जहाँ पे रुवांग यहाँ पे इससे बात करने के लिए आया होता है। रुवांग इसे बताता है कि सभी लोग पैंथम जनरल के अपडेट का काफी समय से वेट कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने उसे ऑप्टिमाइज कर दिया। मुझे पता है आप इस गेम को लोकल बना रहे हो, इसी वजह से आप इन्वेस्टर के लैपटॉप नहीं बनना चाहते और मैं इससे काफी अच्छे से वाकिफ हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इस गेम को और ज्यादा बड़ा कीजिए। ये कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ये से कहता है कि टेंगड़ा कंपनी ने अपना नाम खुद से बनाया है और लोग इस कंपनी से काफी बड़ी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोगों को वो चाहिए भी, तो ये सोचता है कि ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। अगर मैंने मार्केटिंग नहीं की तो ये काफी बुरा हो सकता है क्योंकि मेरी कंपनी अब काफी बड़ी हो चुकी है, अगर मैंने मार्केटिंग नहीं की तो मीडिया वाले सवाल उठाने लग जाएंगे, पर आखिरकार मैं लोगों को अपनी कंपनी को हेट करने के कैसे मजबूर कर सकता हूँ। इसे फिर एक आइडिया आता है और ये रुवांग से कहता है कि मेरे पास एक नया गेम है और मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे क्या। रुवांग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वही पे हमें लिनवान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इसे पूछते हैं कि हमें तो लगा था कि हम यहाँ पे मार्केटिंग नहीं करेंगे, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। यहाँ पे मिलियांग कहता है कि मुझे भी नहीं पता, उन्होंने मुझे बस स्क्रिप्ट पकड़ाई और कहा कि इसे लिनवान को दे देना और सब कुछ अरेंज करने के लिए कह देना। लिनवान कहते कि वो सब तो ठीक है पर तुम्हें नहीं लगता ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा छोटी है। मिलियांग फिर से कहता है कि एडवर्टाइजमेंट ऐसे काम करती है, हम गेमर्स को यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे और वो हमारे गेम को देख के यहाँ पे उसे एडवर्टाइज करेंगे और अगर हम स्क्रिप्ट और पैसे दे तो यहाँ पे वो हमारे गेम की ही तारीफ करेगा। हमें फिर उस गेमर क्वाव को दिखाया जाता है जिसने क्वान के पहले गेम डेजर्ट को यहाँ पे वायरल किया था, पर अब उसके पास पैसे खत्म हो चुके होते हैं और वो सोचा होता है कि काश कोई स्पॉन्सरशिप इसे मिल जाए। तभी इसे लिनवान का मैसेज आता है जो कि इसे स्पॉन्सरशिप के तौर पर आया होता है। ये यहाँ पे लिनवान से बात करती है, लिनवान इसे बताती है कि उनकी कंपनी इसे यहाँ पे स्पॉन्सर करना चाहती है और उसका जो अमाउंट है वो 10,000 युआन होने वाला है। इसकी ये बात सुन के ये यहाँ पे नाचने लग जाता है पर फिर भी वो शांति से बात करता है। ये इसे कहता है कि ठीक है पर आखिरकार मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गेम को खेल के उसके ऊपर ओपिनियन देना ना, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। पर लिनवान इसे बताते हैं हम तुम्हें स्क्रिप्ट देंगे और उसके हिसाब से तुम्हें बोलना पड़ेगा, पर ये इसे कहता है कि मैं स्क्रिप्ट चेंज कर सकता हूँ क्या। लिनवान इसे कहते कि नहीं तुम स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। इसकी ये बात सुन के क्वा इस चीज के लिए मना करने लग जाता है पर तभी लिनवान इसे कहते हैं हम तुम्हें 20,000 युआन देंगे। ये फिर भी इस चीज के लिए मना कर देता और कहता है कि नहीं मैं जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो लिनवान में आखिर में इसे कहती है कि वो इसे यहाँ पे 50,000 युआन देने के लिए तैयार है, तो ये इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि उस गेम की इन्फॉर्मेशन इसे दे दिया जाए ताकि वो इस गेम को देख के यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस देख सके। यहाँ पे जैसे ही इसका पहला एड देखता है वो समझ जाता है कि ये गेम उसी ने बनाया है जिसने यहाँ पे डेजर्ट रोड बनाया था और तभी इसके अकाउंट में 50,000 युआन आ जाती है। सीन फिर क्वान के यहाँ पे जाता है जहाँ पे लिनवान से पूछ रहा होता है कि मिस्टर क्वान ने यहाँ पे हमारे काम को एक्सेप्ट कर लिया ना। ये इसे बताती कि हाँ वो शुरू में थोड़ा नखरे दिखा रहा था पर आपने जैसा मुझे कहा था मैंने उसे यहाँ पे 50,000 युआन एग्जैक्टली दे दिए और उसने इनके काम को एक्सेप्ट कर लिया है। क्वान सोच रहा होता है कि इस बार वो इसे सिर्फ 50,000 युआन दे के यहाँ पे काफी बड़ा लॉस करने वाला है, तो 50,000 युआन इसके लिए कुछ भी नहीं है। वही क्वाओ ये देख के हैरान होता है कि कुछ समय पहले जिस गेम को इसने रोस्ट किया था और वो वायरल हो गया था उसका मालिक अब काफी बड़ा आदमी बन चुका है और उसने इस गेम को भी काफी बड़ा कर दिया है और वो अब ऑफिशियली इसके स्पॉन्सर बन चुके हैं। वो जानबूझ के इसे टारगेट कर रहा है ताकि वो उसका नाम बदनाम कर सके, पर इसके पास अब कोई चारा भी नहीं है, इसके पास पैसे आ चुके हैं और ना चाहते हुए भी इसे
इस गेम को अच्छे से प्रमोट करना पड़ेगा। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं हुआंग सी वांग शो और लिन वान को, जहाँ लिन वान देखती है ये लोग गेम को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हुआंग सी वो इसे कह रहा होता है कि प्लीज मिस्टर पे को इस बारे में नहीं बताना। ये इसे कहती कि चिंता मत करो, हमारा जो नया गेम है वो कल पब्लिश होने वाला है और इस बारे में मिस्टर पे को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जो नया गेम है वो काफी ज्यादा बोरिंग है। पर बाउंशो से कहता है कि वो शुरू में तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है पर वो काफी इंटरेस्टिंग है और लोगों को उसे खेलने में काफी मजा आएगा। सचमुच वो काफी ज्यादा अमेजिंग गेम है क्योंकि वो दूसरे गेम्स की तरह कॉपी नहीं है। पर ये गेम काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि इसमें काफी सारे पैसे लगे है और ऐसा भी हो सकता है कि ये गेम फ्लॉप हो जाए, और अगर ये गेम फ्लॉप हुआ तो शायद से टेंगड़ा कंपनी फ्लॉप हो सकती है। बाउंशो यहाँ कहता है कि मिस्टर पे ने लाइफ और डेथ का डिसीजन कितना आसानी से ले लिया। सचमुच वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सन है, उनके जैसा पर्सन आज तक मैंने नहीं देखा है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं क्वाव को, जो कि यहाँ पे अप्रैल फूल्स वाले ने उस गेम को लॉन्च कर देता है और उसके यहाँ पे एडवर्टाइज करने लग जाता है। वो इस गेम की काफी अच्छे से तारीफ करता है पर किसी को भी वो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आती, सभी लोग उसे भरा बुरा कहने लग जाते हैं। और ये सारी चीजें क्वान और उसके सारे एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं। क्वान इस गेम के लिए तारीफ करता है और इस एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, पर यहाँ पे शिनहाइल उसे बताती है कि लोग इस गेम के बारे में काफी बुरा कह रहे हैं। लोग फिर बाहर चले जाते हैं ताकि वो देख सके कि आखिरकार चल क्या रहा है। यहाँ पे इन्हें काफी सारे बॉक्सेस आए होते हैं जिसमें टेंगड़ा कंपनी के बारे में काफी बुरा लिखा होता है लोगों ने। लोग यहाँ पे वीडियो बना के इस गेम के बारे में अपना एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। वो यहाँ पे क्वा के बारे में कह रहे होते हैं कि जिस गेमिंग कंपनी के ऊपर उसने एक बार पूप किया था अब ये उसी पूप को खा रहा है। वहीं पे हम देखते हैं क्वान को जो कि यहाँ काफी शांत होता है, काफी खुश होता है क्योंकि ये इसी की चाल होती है। इसने जानबूझ के एक ऐसा गेम बनाया जिसमें प्लेयर्स को हम ह्यूमिलेट कर सके और उसके बदले में सभी प्लेयर्स इनके अगेंस्ट चले जाए, और गुस्से में आके यहाँ पे डेवलपर्स के ऊपर हमला कर दिया और सारा गुस्सा इंटरनेट पे निकाले, जिस वजह से इनके जितना भी गेम है वो यहाँ पे तबाह होने लग जाएगा और इनकी जितनी भी अब तक रेपुटेशन थी वो भी नीचे गिर जाएगी। वहीं पे हम देखते हैं लिन वान को जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, तो वो यहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मैं किसी भी हाल में टेंगड़ा कंपनी की रेपुटेशन दोबारा रिस्टोर करके रहूंगी। वहीं पे हम देखते हैं क्वान को जो कि चेस खेलते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इस सिस्टम को चेकमेट दे दिया, अब मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे। वही आखिरी में हम लिन वान को देखते हैं जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसे बता रही होती है कि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पे सभी कस्टमर इसके बारे में कंप्लेन करने लग जाएंगे। पर लिन वान इसे कहती कि चाहे जो हो जाए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए जितने भी पैसे लगे सारे पैसे लगा दो। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते शिनहाइल को जो कि बाउंशी से पूछते कि गेम प्रोड्यूसर्स के डेटा का क्या हुआ। माएंगे से बताता है कि सभी लोग मार्केटिंग को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही मेलियांग यहाँ पे काफी उदास होता है क्योंकि उसका ये पहला प्रोजेक्ट था और वो पूरी तरह गड़बड़ कर चुका है। पर बाउंशी से कहता है कि सब कुछ फेथ के ऊपर छोड़ दो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वांग सीबू आ जाता है, तो ये लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया है। वांग सीबू इन सबको बताता है मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, इसका नाम हु ये होता है और ये एक रिपोर्टर होती है। ये सुन के ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं आप सबके सामने। पर यहाँ पे जब इनका इंटरव्यू आता है तो सभी को यहाँ पे ये एक्सपोज करने लग जाती है कि ये लोग कितने ज्यादा खराब है और ये लोग सिर्फ पैसों के लिए इस गेम को बनाना चाहते हैं और ये चीज और कोई नहीं, ये वही आदमी करवा रहा होता है इन लोगों को पैसे दे के, उन लोगों को फेक एक्सपोज करवा रहा होता है जिससे उनकी बदनामी होगी और टेंगड़ा कंपनी डूब जाएगी। और इस चीज से किसी का नहीं इसी आदमी का फायदा होगा और ये लोग इसी चीज के लिए हाथ मिला लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद यहाँ पे लिन वान आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार तुम अपने व्यूअर्स से यहाँ पे झूठ क्यों बोल रही हो, तुम आखिरकार मिस्टर पे को यहाँ पे फेक डिफेम क्यों कर रही हो। ये इसे कहती है कि मैं एडिटर हूँ, आखिरकार तुम मुझे मेरे काम कैसे समझा सकती हो। अभी इस लड़की का मालिक यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और लिन वान को कहता है कि यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है और वो इसे बताता है कि दरअसल लिन वान के जो फादर है वो उसकी कंपनी के स्पॉन्सर है। ये आदमी फिर लिन वान को समझाता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ टेंगड़ा कंपनी का नाम खुद ही यहाँ पे क्लियर कर देगा। उसके बाद ये अपने एम्प्लॉय को समझाता है कि इसका जो फादर है वो काफी बड़ा आदमी है तो ये लोग यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, जिसके बाद ये यहाँ पे मिस्टर पे का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाती है। पर पे इसे कहता है कि तुम जैसे जनरल्स का बिल्कुल भी मॉरल और प्रिंसिपल्स नहीं होते, इसी वजह से मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो ये इसे कहती है कि आप सचमुच काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो और काफी ज्यादा कूल हो, पर आखिरकार आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए माने क्यों अगर आपको मुझे इंटरव्यू नहीं देना था। तो ये इसे कहता है कि मुझे लिन वान ने कहा था, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। ये फिर सोचने लग जाती है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से मिस्टर पे ने लिन वान की बात मानी है। ये फिर इसे कहते हैं कि मुझे आपसे सिर्फ दो ही सवाल पूछने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, पर ये कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ लेती है। तो क्वान इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो काफी सवाल पूछ चुकी होती है। तभी ये इसे पूछते है कि आखिरकार आप यहाँ पे गेम किस लिए बनाते हो। ये इसे बताता है कि मैं गेम सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाता हूँ, वो है गेम को तबाह करने के लिए। मुझे गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड नहीं है और ये बिल्कुल सच होता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा खुश होता है। वही हमें कुआओ को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे नाइटमेयर्स आए होते हैं क्योंकि सभी लोग इसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे होते हैं और ये अब ट्रॉमाटाइज हो चुका होता है। इसके बाद ये अपने फोन को देखता है और डिसाइड कर लेता है ये खुद उस गेम को खेल के देखेगा जिसे लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जब ये उस गेम को खेलेगा तो इसे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो कैसा गेम है। और जब ये इस गेम को खेलता है तो इसे बताया जाता है कि शुरू में ये एक नॉर्मल सा गेमिंग प्रोड्यूसर है जिसे शुरू में कुछ नहीं आता था, पर वक्त के साथ ये अच्छे डिसीजन लेते हुए सीढ़ी चढ़ता गया और इसे सक्सेस मिलती गई और आखिर में ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि इसके पास काफी सारे पैसे हो गए। पर असल में इसके पास कुछ नहीं है क्योंकि इसे अभी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन सा करियर में जाना चाहता है और किस तरह के गेम डेवलप करना चाहता है। इसके आइडिया चलेंगे कि नहीं ये भी इसे नहीं पता। साथ ही साथ इसका जो बॉस है वो हमेशा से कहते रहता है कि वो एक फेलियर है। ये देख के इसे वो पल याद आ जाता है जब इसके दोस्त कहा करते थे कि वो एक अच्छा लाइव स्ट्रीमर नहीं बन पाएगा, पर आखिर में उसने सबको चौंका दिया। अभी इस गेम को खेलने लग जाता है, पर जब भी इस गेम को खेलता है इसके गलत डिसीजन की वजह से हमेशा फेल हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग इसे काफी भला बुरा कहते हैं। ये सोचता है कि ये सचमुच गेम काफी घटिया है, ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। साथ ही साथ जब भी इस गेम को खेल रहा होता है इसका बॉस हमेशा इसे ताने दे रहा होता है कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये चीज देख के ये थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि जब भी ये यहाँ पे वीडियोस डाला करता था या लाइव स्ट्रीम किया करता था सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसे उल्टा सीधा बोला करते थे, पर फिर भी इसने हार नहीं मानी। ये सिर्फ काम करता गया और एक दिन इसे सक्सेस मिल गई जिस वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसी की तरह इस गेम में भी इसे बीच में सक्सेस मिल जाती है और सभी लोग इसे यहाँ पे चेयर करने लग जाते हैं। पर तभी इसका बॉस इसे कहता है कि तो क्या हुआ, तो मैं गेम में सक्सेसफुल हो गए तो बाकियों में तुम जरूर से फेल हो गए। और ये सीन देख के ये अपने आप को इससे कंपेयर करने लग जाता है क्योंकि रियलिटी में ये इसके साथ हो रहा है, सभी लोग इसे दूर जा रहे और सब लोग इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। इस वजह से इसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो समझ आता है कि ये गेम एक मास्टरपीस है और इस बारे में सबको पता चलना चाहिए। वहीं पे हमें क्या क्वान को दिखाया जाता है जो कि न्यूज में देख रहा होता है कि इसका जो लॉनली डेजर्ट रोड है उसके बारे में यहाँ पे बातें चल रही होती है और ये वही यहाँ पे एंकर कर रही होती है, यहाँ पे उस बारे में काफी अच्छा कह रही होती है और ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वो चीज के बारे में अच्छा क्यों कह रही है। यहाँ ये शिनहाइलू की वीडियो देखता है जहाँ पे वो बता रही होती है कि मिस्टर पे कितना अच्छा इंसान है। साथ ही साथ वो यहाँ पे ह्वांग से भी और बोंग से की वीडियो देखता है जो कि इसके बारे में काफी तारीफ कर रही होती है, पर क्वान सोचता है अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम मार्केटिंग को ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं, अब ये गेम हिट नहीं होने वाला और ये फ्लॉप की कैटेगरी में जाने वाला है। तभी मिलियांग इसे कहता है कि वो वायरल हो गया। ये इसे कहता है कि क्या वायरल हो गया, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। मिलियांग इसे बताता है कि कुआओ की जो वीडियो है वो अब वायरल हो चुकी है। ये कहता है कि किस तरह की वीडियो, जिसके बाद जब ये इसे वीडियो दिखाता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे कुआओ ने एक नई वीडियो लॉन्च किया जहाँ पे वो सबको बताता है कि अप्रैल फूल्स वाले दिन इन लोगों ने जो वीडियो डाली थी वो एक प्रैंक था, असल में तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये लोग यहाँ पे उस वीडियो के द्वारा उन लोगों को रोस्ट कर रहे थे, उन लोगों को एक्सपोज कर रहे थे जो कि गेमिंग इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो कुछ भी फालतू गेम बना देते हैं। अगर एक बार ये लोग इस गेम को खेल के देखे तो जरूर से ये गेम इन्हें अच्छा लगेगा। इस गेम को खेलने के बाद वो यहाँ पे डेवलपर्स के मन को अच्छे से जान पाएंगे कि आखिरकार उनके मन के ऊपर क्या बीतती है और उन्हें किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये एक एक्सपोज वीडियो है उन लोगों के बारे में जो कि गेम को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। वही क्वान सोच रहा होता है ये कहाँ की मास्टरपीस हो सकती है, ये सब क्या कह रहा है। पर वही को यहाँ पे गेम के डिटेल्स के बारे में सबको बता रहा होता है और वही यहाँ पे क्वान काफी ज्यादा रो रहा होता है और इसे अपने मुंह बंद करने के लिए कह रहा होता है। पर ये सभी को बताता है वैसे तो मैं गेम डेवलपमेंट से नहीं हूँ, पर इस चीज को खेलने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि उनके ऊपर क्या बीतती है। अब ये गेम फ्लॉप होते हैं, सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, खासकर की बॉस जो कि अपने एम्प्लॉय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वही पे मिस्टर पेज है वो अपने एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं कह रहे है, ये बिल्कुल गलत है। टेगना कंपनी जो है वो गेम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बनाती है, वो गेम हमारे यूजर्स के लिए बनाती है। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कंपनी को डुबाना चाहते हो या फिर उठाना चाहते हो, तो आखिरकार भविष्य में क्या परस्यू करना चाहते हो ये सब तुम्हारे ऊपर है। वह क्वान गुस्सा होते कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें सीयू करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे पे डिफेमेशन का केस ठोकने वाला हूँ। और इसके ऑफिस में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनके गेम्स के बारे में अब न्यूज में भी बात हो चुकी होती है और सभी लोग यहाँ पे इसके गेम को डाउनलोड कर रहे होते हैं। पर क्वान बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो फिर यहाँ पे बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि सचमुच मैं काफी ज्यादा पावरलेस फील कर रहा हूँ और मैं किसी से लड़ भी नहीं सकता। तभी उस आदमी का इसे कॉल आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर दूंगा। तो ये इसे
कहते हैं कि तुम तो मेरे खास दोस्त हो, आखिरकार तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया। ये से कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुमने मीडिया को अपनी तरफ कैसे किया, पर मैं एक नए दिन तुम्हें तबाह करके रहूंगा। पर क्वान सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पर जरूर से वो हमारी कंपनी को हिट कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसमें मेरा ही फायदा है, अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो मेरी टंगर कंपनी डूब जाएगी और मेरे पास पैसे पैसे होंगे। तभी यहाँ पे रिचेस इसके सामने आ जाता है, जो कि इसे बताता है कि तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, पर अब हम तुम्हें एक स्पेशल मिशन देने वाले हैं जिसमें तुम्हारा पर्सनल एसेट का रेट होगा 10%। और इसी के साथ इस कहानी का जो पहला सीजन है वो खत्म हो जाता है, जो कि 14 एपिसोड का था। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मुझे पता है मैं काफी समय बाद वीडियो डाल रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं ऐसे एक दो दिन छोड़ के यहाँ पे वीडियो डालते रहूंगा अभी इसे 25 मिनट की, तो आपको उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज सपोर्ट करना मत भूलना क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। चाहते हो सिर्फ इतना ही होंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।